दोस्तों क्या हाल है, मेरा नाम है नितिन और आ गया हूँ आप सभी के लिए लेकर एक और फ्रेश वीडियो अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से Vivo V17 के बारे में। ये Vivo का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, अभी हाल ही में मार्केट में लॉन्च हुआ है और इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग और साथ साथ में मैं बता दूंगा आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में। चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे फोन के बारे में बात करने के लिए। Vivo V17 का बॉक्स कुछ इस तरीके डार्क ब्लू कलर का दिख जाता है। बॉक्स को ओपन करते ही आपको अंदर एक और बॉक्स देखने को मिल जाएगा छोटा सा। उस बॉक्स के अंदर आपको TPU बैक केस देखने को मिल जाता है, USB टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगी, साथ के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और ये सिम इजेक्टर टूल है। इन सब चीजों को साइड में रखते हैं और देख लेते हैं बाकी बॉक्स के अंदर क्या आइटम है आपको देखने को मिल जाता है ये स्मार्टफोन। इसको भी साइड में रखते हैं और नीचे खोल के देख लेते हैं बाकी क्या चीजें हैं आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये ईयरफोन्स मार्केट में वैसे 2000 रुपए के अवेलेबल है, लेकिन Vivo इन द बॉक्स दे रहा है V17 के साथ, जो की बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में ये 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर ब्रेक। चलिए अब सारी चीजें साइड में रख लेते हैं और बढ़ जाते हैं फोन की तरफ और फोन के डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। देख लेते हैं कि फोन का टच एंड फील कैसा है और बाकी क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। फोन की अगर बैक की बात मैं करूं आपसे तो आपको बैक में ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा क्वाड कैमरा सेटअप, उसके नीचे Vivo की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और फ्रंट में आपको ये आई व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसमें कि आपको एक डॉट नॉच फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग साइड्स की बात करें तो आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है स्पीकर ग्रिल, USB टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और उसके पास में 3.5mm ऑडियो जैक। अगर लेफ्ट साइड की बात करूं तो वहां पे आपको खाली ट्रिपल कार्ड सिम स्लॉट मिल जाता है देखने के लिए। ऊपर की तरफ आपको सेकेंडरी नॉइज रिडक्शन माइक देखने को मिल जाएगा और राइट साइड की अगर बात करूं तो आपको यहाँ वॉल्यूम रोकर और पावर की देखने को मिल जाती है। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूंगा देखने में ये फोन का बैक जो एकदम ग्लास का फील देता है, प्रीमियम फील देता है, लेकिन ये प्लास्टिक का बना हुआ है। और फोन का वेट है 176 ग्राम। आपको ये V17 दो कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, ग्लेशियर आइस और मिडनाइट ओशियन जो है वो थोड़ा सा ब्लू हेज के इफेक्ट के साथ है, वहीं की वहीं जो ग्लेशियर आइस है वो थोड़ा व्हाइट कलर के टोन के अंदर है। तो दोस्तों ये हुई फोन के डिजाइन की बात और अब फटाफट से बढ़ जाते हैं फोन के इंटरनल्स की स्पेक्स की बात कर लेते हैं और आपको बता देते हैं इस फोन के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है। ये फोन Vivo ने मार्केट में लॉन्च किया है 22,990 रुपए में और इसके अंदर आपको 8GB की रैम और साथ 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, सिर्फ एक वेरियंट के अंदर ही अवेलेबल है। अगर मैं CPU की आप लोगों से बात करूं तो आपको इस फोन के अंदर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन AI675 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। CPU और मेमोरी कॉन्फ़िगरेशंस के बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस फोन की डिस्प्ले की। इस फोन का डिस्प्ले जो है वो बहुत ही शानदार यूनिक लेटेस्ट टाइप का डिस्प्ले है। यहाँ आपको V17 के अंदर E3 सुपर एमोलेड 1080p फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये डिस्प्ले के अंदर जो कलर रिप्रोडक्शन है, ब्राइटनेस है, बहुत ही शानदार है। ये सबसे लेटेस्ट तरीके की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। साथ ही साथ आपको डिस्प्ले के अंदर ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर भी देखने को मिल जाता है। छोटा सा पंच होल आपको दिखेगा टॉप राइट कॉर्नर में। ये जो कैमरा है ये फ्रंट कैमरा है जिसके अंदर आपको 32MP का लेंस देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर है F2.45 और ये साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छी सुपर नाइट सेल्फीज लेने में मदद करता है। फ्रंट कैमरा के बाद अगर हम लोग रियर कैमराज की बात करें तो रियर में आपको चार कैमराज देखने को मिल जाते हैं, साथ में डुअल LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। जो प्राइमरी लेंस है वो 48MP का F1.8 अपर्चर वाला लेंस है। उसके अलावा 8MP का आपको वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर साइज है F2.2। उसके अलावा आपको दो 2MP के लेंस देखने को मिल जाएंगे, वन इज डेप्थ सेंसर, द अदर इज मैक्रो लेंस और दोनों का अपर्चर साइज है F2.4। ओवरऑल कैमरा के मामले में Vivo ने V17 के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है और आपको बहुत ही अच्छा सेटअप दिया है। आप बहुत ही अच्छी फोटोज ले सकते हो, एक सुपर नाइट मोड भी है, अल्ट्रा स्टेबल वीडियो मोड है। ये कुछ नए फीचर्स जो है Vivo ने V17 कैमरा के अंदर डाले हैं, आप उनको यूज करेंगे आपको अच्छी बेहतरीन वीडियोज मिलेगी, लो लाइट में अच्छी फोटोग्राफी करने को मिलेगी। चलिए अब कैमरा के बाद बढ़ जाते हैं बैटरी की तरफ। बैटरी की अगर हम लोग बात करें तो आपको V17 के अंदर 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ के साथ आपको 18 वोल्ट का डुअल इंजन फास्ट चार्जर भी इन द बॉक्स मिल जाता है। तो ओवरऑल आपको पावर की कोई कमी नहीं रहने वाली है, आप फटाफट से अपने फोन को फास्ट चार्ज भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये हुई हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की बात। अगर मैं आप लोगों से सॉफ्टवेयर की बात करूं तो आपको इसके अंदर फ्रंट टच OS 9.2 देखने को मिल जाएगा, विच इज अगेन बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 9 पाई। उसके अलावा Vivo की कुछ प्रोप्राइटरी एप्स है, जो कैमरा ऐप है वो भी Vivo को डेडिकेटेड खुद की ऐप है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप वही कैमरा ऐप यूज कीजिए, आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि Vivo ने इस फोन के अंदर किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ी है। मुझे जहां पे थोड़ा सा लगता है कि एक स्नैपड्रैगन 712 या फिर 730 सीरीज का प्रोसेसर होता तो मजा आ जाता, लेकिन अगेन जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर है वो एक कैमरा सेंट्रिक प्रोसेसर है जो कि इमेजेस को बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है और आपको बहुत अच्छी आउटपुट देता है। तो आई थिंक कि जैसे कि Vivo ने कैमरास के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम किया है तो उन्होंने इसीलिए इसके अंदर 675
5 सेलेक्ट किया है। अगेन आप ये मत सोचना कि 675 प्रोसेसर का फोन तो मुझे 10-12 हज़ार रुपए की रेंज में मिल जाता है तो मैं क्यों 22-23 हज़ार रुपए खर्च करूं। भाई एक फोन के अंदर प्रोसेसर के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें आपको बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के इसके अंदर देखने को मिल जा रही है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, टाइप सी पोर्ट है, फास्ट चार्जिंग है, 4500 mAh की बैटरी है, क्वाड कैमराज है, और मुझे नहीं लगता कि वीवो आप लोगों से कुछ ज्यादा चार्ज कर रहा है इस फोन के लिए। वैसे ही आप लोगों को लॉन्च ऑफर्स भी अवेलेबल है, कार्ड्स के ऊपर डिस्काउंट है, वो सब चीजें अगर आप अवेल करते तो ये फोन आपको 21,000 रुपए के आसपास पड़ जाएगा। तो आई थिंक कि ये एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कंसिडर करने के लिए 20-22 हज़ार रुपए के बजट सेगमेंट के अंदर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं जल्दी ही मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमेशा की तरह हंसते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।